देखिए, तिरंगा यात्रा को लेके अब बैठक हुई है, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि बीजेपी भी हर घर तिरंगा अभियान जो है उन लोगों ने चलाया हुआ है, किस तरह की प्लानिंग? उदयपुर संकल्प में पार्टी ने निर्णय लिया था कि 9 अगस्त जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था, उस दिन अब ये 75 वर्ष जो आज़ादी के हो रहे हैं इस पर कम से कम हर जिले में 75 किलोमीटर की पद यात्रा करें और एक जन जागरण अभियान करें, जनता के बीच में जा करके जो इस समय जो हालात देश में व्याप्त हैं, आज जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से जो महंगाई अपने सारे रिकॉर्ड जो छू चुकी है, रिकॉर्ड तो नए रिकॉर्ड बना रही है, रिकॉर्ड तो कोई छुआ ही नहीं, तो इन सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो बहती हुई अर्थव्यवस्था है, चाहे जो डीजल पेट्रोल सीएनजी पीएनजी के जो रेट दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अभी जीएसटी लगाया गया है, ये सभी आटा पर, दाल पर, तेल पर, और यहाँ तक कि कोई घी दूध ये पनीर वगैरह सब आइटम पर जो जिस तरह से उन्होंने लगाया है, तो एक आम जनता की कमर तोड़ी है। जो किसानों से संबंधित जो कोई भी औजार थे या कोई जो फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल बीज, उनमें सब में टैक्स नहीं लगता था, अब इन्होंने सब पर टैक्स लगा दिया, तो आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। तो ये महंगाई का, और जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के आए, और एक हमारी एक सेना के साथ भी इन्होंने जिस तरह का सेना को कमजोर करने का प्रयास किया, तो वो एक देश के लिए बहुत घातक विषय है। तो इन सारे संदर्भों को देखते हुए हमारी इस पदयात्रा में जितने भी रास्ते में गम पड़ेंगे उन सब में जन जागरण के तहत लोगों को हम जन जन तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, ये हमारा कार्यक्रम है। और हमें तो इस बात की खुशी है, जिन लोगों ने 55 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया, आज वो सारा सब जगह सबको आह्वान कर रहे हैं तिरंगा फहराने की। तिरंगा तो कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, अपने बलिदान दिए, लाखों लोग जेलों में गए, कितने ही लोग ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, कितने आंदोलन चलाए गए कांग्रेस पार्टी ने इस तिरंगा के लिए। और ये तिरंगा को तो अपना मानते ही नहीं थे, ये संविधान को भी नहीं मानते थे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद की थी, और वायसराय को उस समय चिट्ठी लिखी थी कि हम आपके साथ हैं, हम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन के साथ नहीं हैं। आज इनको सद्बुद्धि आई है, तिरंगा को मानने लगे हैं, तो अच्छी बात है। तिरंगा हमारे देश का गौरव है, और सभी इनके ये माने चाहे ना माने, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्र की जनता तिरंगा के लिए नतमस्तक है, तिरंगा को अपना आदर्श मानती है, तिरंगा के लिए मरना मिटना जानती है। तो इसलिए जो तिरंगा जो है हमारी आन बान शान है, तो अब ये भी फहरा रहे हैं तो अच्छी बात है। इन्होंने ये तो वो लोग हैं जिन्होंने संविधान के प्रति यहाँ भी जलाने का काम किया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो तस्वीर जलाने का काम किया था, और ना तो ये संविधान को मानते हैं, ना ये तिरंगा को मानते थे, ना ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो कांग्रेस के साथ विधायक भी तोड़ कर लेके जाएंगे अगर भाजपा उनको। क्या पिद्दी को शोरबा, क्या कुलदीप के क्या औकात है जो अपने अपने सात आदमियों को नहीं रख पाया, जो उनको इसने बेचने का प्रयास किया, छह जो विधायक जो थे 2009 में वो इसको एक एक छोड़ करके इसके पास आ गए, जितने भी जो चौधरी भजनलाल के नज़दीक के आदमी थे इसने अपने व्यवहार से सबको दूर कर लिया। ये सड़क का आदमी नहीं, ये संघर्ष इसने कभी जिंदगी में किया नहीं, ये आदमी तो वो है जो जा करके 6 महीने तो ये विदेशों में रहता है, ये कभी इसका टेलीफोन जो ना नहीं मिलता, स्विच ऑफ मिलता है, लोगों के बीच में रहता नहीं। इसने तो चौधरी भजनलाल की गरिमा को कम करने का काम किया है। आज वो भी लोग जो अपने सात आदमियों को तो इकट्ठा रख नहीं सका, आज कांग्रेस के सात आदमियों को तोड़ने की बात करता है। अरे अपनी सीट की खैर मना, खुद जो अपने बेटे को जिसकी कह रहा है कि भव्य बिश्नोई को इलेक्शन लड़ाऊंगा, यही भव्य बिश्नोई तो लड़ाया था तुमने इलेक्शन पिछली बार, अपने इसी विधानसभा क्षेत्र से भव्य बिश्नोई कैसे हार गया, ये भी सिंह बताना हुड्डा चाहिए। को कह रहे हैं कि आप आके लड़िए, सिंह ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या, वो किस चीज़ में मुकाबला करेगा, कहाँ करेगा? ये उस दिन से तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ घूमता था कि मुझे अध्यक्ष बनवा दो, मुझे अध्यक्ष बनवा दो, मुझे अध्यक्ष बनवा दो, आज ही कह रहा है कि
मेरे सामने मुकाबला लड़े। अरे जितनी है अपने उतनी बात करे, हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता ही इसको हराने का काम करेगा, और ये खुद तो अभी भाग रहा है, अभी तो कह रहा है मैं बेटे को लड़ाऊंगा भव्य बिश्नोई को, और उधर को चैलेंज कर रहा है हुड्डा साहब। अपने अपनी इसको सीट को संभाले, अपने अहंकार को छोड़े, कांग्रेस पार्टी डट करके इसका मुकाबला करेगी और इसको चुनाव में हराएगी भाई लक्ष्मण। तो ये जो है कह सकते हैं कि उपचुनाव जो होगा टक्कर मान गए इसमें, टक्कर नहीं, हम बिल्कुल बहुत अच्छे मार्जिन से हम इस सीट को जीतेंगे और इसको बुरी तरह से हराएंगे, क्यों, लोगों के विश्वास को इन्होंने धोखा देने का काम किया है, लोगों के विश्वास को इन्होंने छला है, लोग गुस्सा है कि भाई तुम्हें कांग्रेस का विधायक बना करके भेजा गया था और आज तुम किस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की गोदी में आप जा करके बैठ गए। तो जनता का गुस्सा है, अपने से इलेक्शन में निकालेगी जनता। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा पे क्या पार्टी क्या विचार कर रही है, क्या भविष्य में कितना समय है? बिल्कुल, इसमें अगस्त के महीने में हमारे सारा बूथ से लेकर के प्रदेश तक सारी कार्यकारिणी सारे पदाधिकारियों का पूरी तरह से गठन हो जाएगा। और जो आज का जो मकसद जो अभी हम मीटिंग थी वो तो आपने पूछा ही नहीं, तो था 9 अगस्त से 15 अगस्त की जो यात्रा है उसमें हम 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं, होटल के बस स्टैंड से शुरू होगी और ये बुलवाना विजयगढ़ खिरबी और भिड़ूकी होते हुए हसनपुर हॉल्ट करेगी, अगले दिन हसनपुर से चल करके और ये लेखी और कामी और पिंगोड और दीघौट होते हुए बीतरौल में समापन होगा, और उसके बाद जो 12 तारीख को बामनी खेड़े से शुरू होकर के और ये फुलवाड़ी और टीकरी ब्राह्मण और रजपुरा और दुर्गापुर और बंगूरी होते हुए हतीन जा करके ये लगेगी, और उसके बाद 13 तारीख को हतीन से घर्रौट होती हुई और घर्रौट से और ये धामा का एरवा खोकिया का और धाम ये महेशपुर और महेशपुर से यादवपुर और धतीर जा करके पहुँचेगी, और उससे अगले दिन कुसलीपुर से चल करके कुसलीपुर से हम यहाँ छज्जूनगर छज्जू असावटा कुसलीपुर से असावटा फिर छज्जूनगर और छज्जूनगर से अब रसूलपुर रसूलपुर से मीसा चांदट चांदट के बाद घोड़ी और सजवाड़ी सजवाड़ी के बाद पेलक में समापन होगा, और 15 अगस्त को पूरा जो हुड्डा चौक से 8 बजे शुरू होकर के और यह पदयात्रा रेलवे स्टेशन पर जाएगी जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया था, वहां पर झंडा का आरोहण होगा और वहां पर जो मुख्य समारोह 15 तारीख को रेलवे स्टेशन पलवल पर आयोजित होगा। देखिए तिरंगा यात्रा को लेके अब बैठक हुई है, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि बीजेपी भी हर घर तिरंगा अभियान जो है उन लोगों ने चलाया हुआ है, किस तरह की प्लानिंग? उदयपुर संकल्प में पार्टी ने निर्णय लिया था कि 9 अगस्त जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था उस दिन, अब ये 75 वर्ष जो आज़ादी के हो रहे हैं इस पर कम से कम हर जिले में 75 किलोमीटर की पद यात्रा करें और एक जन जागरण अभियान करें जनता के बीच में जाकर के, जो इस समय जो हालात देश में व्याप्त हैं, आज जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से जो महंगाई अपने सारे रिकॉर्ड जो छू चुकी है, रिकॉर्ड तो नए रिकॉर्ड बना रही है, रिकॉर्ड तो कोई छुआ ही नहीं, तो इन सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो बहती हुई अर्थव्यवस्था है, चाहे जो डीजल पेट्रोल सीएनजी पीएनजी के जो रेट दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अभी जीएसटी लगाया गया है ये सभी आटा पर दाल पर तेल पर और यहाँ तक कि कोई घी दूध ये पनीर वगैरह सब आइटम पर जो जिस तरह से इन्होंने लगाया है, तो एक आम जनता की कमर तोड़ी है। जो किसानों से संबंधित जो कोई भी औजार थे या कोई जो फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल बीज, उनमें सब में टैक्स नहीं लगता था, अब इन्होंने सब पर टैक्स लगा दिया, तो आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। तो ये महंगाई का और जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के आए और एक हमारी एक सेना के साथ भी इन्होंने जिस तरह का सेना को कमज़ोर करने का प्रयास किया, तो वो एक देश के लिए बहुत घातक विषय है। तो इन सारे संदर्भों को देखते हुए हमारी इस पदयात्रा में जितने भी रास्ते में गम पड़ेंगे उन सब में जन जागरण के तहत लोगों को हम जन जन तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, ये हमारा कार्यक्रम है। और हमें तो इस बात की खुशी है, जिन लोगों ने 55 साल तक
अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया, आज वो सारा सब जगह सबको आह्वान कर रहे हैं तिरंगा फहराने की। तिरंगा तो कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी, अपने बलिदान दिए, लाखों लोग जेलों में गए, कितने ही लोग ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, कितने आंदोलन चलाए गए कांग्रेस पार्टी ने इस तिरंगा के लिए। और ये तिरंगा को तो अपना मानते ही नहीं थे, ये संविधान को भी नहीं मानते थे, ये तो वो लोग जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद की थी, और वायसराय को समय चिट्ठी लिखी थी कि हम आपके साथ हैं, हम स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के साथ नहीं है। आज इनको सद्बुद्धि आई है, तिरंगा को मानने लगे हैं, तो अच्छी बात है। तिरंगा हमारे देश का गौरव है, और सभी इनके ये माने चाहे ना माने, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्र की जनता तिरंगा के लिए नतमस्तक है, तिरंगा को अपना आदर्श मानती है, तिरंगा के लिए मरना मिटना जानती है। तो इसलिए जो तिरंगा जो है हमारी आन बान शान है, तो अब ये भी फहरा रहे हैं तो अच्छी बात है। इन्होंने ये तो वो लोग हैं जिन्होंने संविधान के प्रति यहाँ भी जलाने का काम किया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो तस्वीर जलाने का काम किया था, और ना तो ये संविधान को मानते हैं, ना ये तिरंगा को मानते थे, ना ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो कांग्रेस के साथ विधायक भी तोड़ कर लेके जाएंगे अगर भाजपा उनको वोट करता है। क्या पिद्दी का शोरबा, क्या कुलदीप के क्या औकात है जो अपने अपने सात आदमियों को नहीं रख पाया, जो उनको इसने बेचने का प्रयास किया, छह जो विधायक जो थे 2009 में वो इसको एक एक छोड़ करके इसके पास आ गए, जितने भी जो चौधरी भजनलाल के नज़दीकी आदमी थे इसने अपने व्यवहार से सबको दूर कर लिया। ये सड़क का आदमी नहीं, ये संघर्ष इसने कभी ज़िंदगी में किया नहीं, ये आदमी तो वो है जो जा करके छः महीने तो ये विदेशों में रहता है, ये कभी इसका टेलीफोन जो ना नहीं मिलता, स्विच ऑफ मिलता है, लोगों के बीच में